नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं इस टाइम पर क्राइम खबरों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जो एक बड़ी खबर लेकर सामने पेशा हुआ हूं। बताता चलो कि एक ऐसी महिला जो दो टुकड़ों में देखने को मिली और वो भी एक पति ने ही काट डाला। कैसे? वो एक स्टोरी जो पूरी तरीके से अब जो है फाइनल हो चुकी है। पुलिस ने मुजरिम को भी पकड़ लिया है और पुलिस के द्वारा आखिर में उससे ये भी उगलवा लिया गया कि आखिर उसने क्यों काट डाला। तो पूरी बात लेकर हाजिर हूँ, जो वक्त जाया ना करते हुए पूरी खबर जो है बताऊंगा आपको। बताता चलूँ कि एक रीवा के एक छोटे से गांव की लड़की जो कि 2006 में उसके पिता के द्वारा जो है एक ऑरेंज मैरिज शादी की जाती है। शादी 2006 में जिसका नाम विभा पटेल उर्फ सरस्वती, एक लड़की की शादी की जाती है सहडोल करौंदिया ग्राम पंचायत में। पटेल परिवार जो है ये गरीब परिवार था, इतना बड़ा भी परिवार ये नहीं था, जो कि दो भाई और तीन बहन हैं। इन तीन बहनों को लेकर के सभी की शादी की गई और अब देखा ये गया कि ये जो शादी हुई विभा पटेल उर्फ सरस्वती की, तो ये शादी होती है सहडोल के करौंदिया ग्राम में। 2006 में शादी होती है, परिवार काफ़ी अच्छा चलता है, आपस में गरीब ये जो परिवार है वो कहीं ना कहीं दोनों में ये सामंजस्य बनता है कि मुझे जो है काम करना है। एक जो विभा पटेल है वो भी और उसका पति जिसका नाम राम किशोर पटेल, जिसकी उम्र 37 साल और उसकी पत्नी की उम्र यानी कि विभा पटेल की उम्र जो है वो 34 साल। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अब 16 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो 34 से जोड़ सकते हैं कि उस टाइम पर 17 या 18 साल की उम्र में उस लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा होता है और एक बच्ची पैदा होती है। दोनों बच्चा और बच्ची पैदा होने के बाद दोनों की जो गरीबी है देखी जाती है उस टाइम पर। आपस में ये बात बनती है कि हमें अब कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता है। जिस दौरान जो है राम किशोर जो है चला जाता है एक ऐसी जगह काम करने के लिए जहां पर एक होटल में वो काम करता है, और वो कहीं दूर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ही। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो पूरा मामला है वो ये रहा कि गरीब परिवार की जो दशा देखी गई, इसके बाद दोनों को रोजगार करना था, एक जो है होटल में रहता है और दूसरी जो कि विभा पटेल है वो जो महिला थी वो भी एक फुल्की बनाने का काम करने लगती है, पानी पूरी बनाते बनाते एक दिन ऐसा टाइम आता है कि हो सकता है कि लड़की का कहीं मन बहका हो या उस लड़की के द्वारा कहीं कोई लव अफेयर हुआ हो, जो भी रहा हो। अब ये तो उसके पति को ही पता होगा कि आखिर में इसने क्या किया है। एक बच्चा और एक बच्ची होने के बाद एक 16 साल तक लव अफेयर चलता रहा। एक पति पत्नी के बीच में जो था तो था ही, लेकिन उसका संबंध कहीं और भी बन गया, जो कि उसके पति राम किशोर पटेल के द्वारा बताया गया। आते आते एक ऐसा टाइम आता है कि उसके लिए घर बनवाना हुआ, घर भी जो आप इस टाइम पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे यही मकान है, जो ये मकान बनवाया गया। मकान बनने के बाद आज देखा यह जा रहा है कि इस मकान में रहने के लिए पति पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटा सा परिवार, शायद इस टाइम पर जब ये हादसा हुआ उससे पहले लगभग एक से डेढ़ हफ्ते के पहले ही इस घर का फीता काटा गया, यानी कि उद्घाटन हुआ इस मकान में रहने के लिए। जो महिला सारी जिंदगी पानी पूरी बनाई और जो कि इसमें पुरुष जो है राम किशोर पटेल, जो कि होटलों से पैसे जुटाकर जो मकान बनवाता है, उसे ये पता नहीं था कि जैसे ही हम इस मकान को बनाएंगे हमारे अंदर इतना आवेश होगा कि हम अपनी पत्नी को ही दो टुकड़ों में काटकर फेंक देंगे। ये छोटा सा मामला नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और समाज में ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है ये आक्रोश, जहां अपने ही जाति या धर्म अपने ही रिश्तों को कई टुकड़ों में काटा जा रहा है। ऐसा ही मामला जब मैं लगातार बता रहा हूं, जो आप लोगों को बताता चलो कि जब ये मामला इतना ज़्यादा बन गया कि पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी का संबंध जो है कहीं और भी है, उस दौरान अपनी पत्नी को एक से डेढ़ हफ्ते के अंदर, यानी ये बात है 12 नवंबर को सुबह 9:30 बजे बोलता है कि चलो लकड़ी काटते हैं और चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाएंगे लकड़ियों का अपने घर के सामने।
अपनी पत्नी को विभा पटेल को जो है रामकिशोर पटेल लेकर जाता है जंगल की तरफ, जो करौंदिया का ही जंगल है, उस जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए। लेकिन लकड़ी ऐसा नहीं कि नहीं काटता, लकड़ी काटता है। दो बंडलों में लकड़ी जो है काट कर वहां पर फेंक देता है, लेकिन देखा यह जाता है कि दो बंडलों की ये जो लकड़ियां हैं काटने के बाद अपनी पत्नी को भी काट डालता है, वो भी दो टुकड़ों में। एक ही कुल्हाड़ी से लकड़ी कट रही थी, उसी कुल्हाड़ी से अचानक ऐसा क्या हुआ जो अपनी ही पत्नी को उसने दो टुकड़ों में काट दिया? क्या था ये बात? तब पता चलती है जब यहां से ये लोग फरार हो जाते हैं, यानी कि अपने घर से जब ये महिला यानी कि विभा पटेल जब वापस नहीं आ पाती और उसका जो पति था रामकिशोर जब ये घर से गायब हो जाता है, तब घर वालों को पता चलता है कि आखिर में जो विभा पटेल है उर्फ सरस्वती वो घर से गायब है। वारदात 12 नवंबर की है और 13 नवंबर को शाम तक ढूंढा गया और पुलिस को भी सूचना दे दी गई और 14 नवंबर को यानी कि घटना जो थी ये शनिवार की थी और 13 नवंबर के बाद जो आप लोगों को बताता चलूं कि ये रविवार हुआ, इसके बाद सोमवार को 14 नवंबर हुआ, 14 नवंबर को ये बॉडी मिलती है जो जमीन के अंदर दफन कर दी गई थी। सर अलग और धड़ अलग, दोनों को जब अलग कर दिया गया था, इस वारदात को जब देखा जाता है, जब दोनों को अलग कर दिया जाता है तो एक को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है और दूसरे सांप के बिल में अपनी ही पत्नी का जो है तो सर डाल दिया जाता है। सांप के बिल से उसकी जो ये सर जब ये उसका जब बरामद होता है तो उस टाइम पर उसका भाई, उसका परिवार, उसके बहन, उसकी माँ सब वहीं पर मौजूद रहती हैं और देखती हैं कि आखिर में मेरी बिटिया की ये जो दशा है वो क्या दशा है, क्या मैंने इसी दिन के लिए इसकी शादी की थी? आखिर में 16 साल जो साथ में रहने वाला पति पत्नी जो साथ में रहा हो वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये भी संदेह बनता है। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं था? था, तभी तो 16 सालों तक वो एक साथ थे। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से सामने वाला सीधे ही जान ले लेता है और वो गलती नहीं बल्कि उसे ये लगता है कि मेरी पत्नी से धोखा, यानी कि अपने पति को ही वो धोखा दे रही है। विभा पटेल जो है वो कहा जा रहा है कि अपने की परिवारों के बीच में जब चर्चा आई तो उसके द्वारा परिवार वाले जो हैं उन्होंने कहा कि विभा पटेल एक ऐसी महिला थी जो बॉडी से हैवी थी, यानी कि वो चार लोगों को भी संभाल सकती थी, मारपीट सकती थी, अगर उसे कोई मारे तो बच सकती थी। लेकिन पति की जो बॉडी है वो लगभग 37 साल में कहीं ना कहीं वो दुबला पतला इंसान दिख रहा है, लेकिन आखिर में ये हादसा हो ही गया। जब रामकिशोर पटेल वापस आता है अपने घर में कुल्हाड़ी लेकर, उस दौरान जो है दोपहर को उसके बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि माँ कहाँ है, लेकिन रामकिशोर पटेल बताता है कि माँ वहीं है जंगलों में, मैं आया हूँ, मुझे टॉयलेट लगी हुई है। हाथ पैर जो है धुलता है, कुल्हाड़ी रखता है और बैग उठाता है और पीछे के रास्ते से घर से ही गायब हो जाता है। अगले दो दिन तीनों तक ढूंढने के बाद जब ऐसी पूरी वारदात जंगलों में देखने को मिलती है तब पूरा घर, पूरा गांव सहम जाता है, पूरा परिवार सहम जाता है और देखता है कि आखिर में हे भगवान ये क्या हो गया। पूरी वारदात देखने के बाद पुलिस भी ये देखकर सहम जाती है कि क्या ऐसी भी वारदात हो सकती है। उसने जिस तरीके से देखा ये हरकत, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी जो एक इंसान के द्वारा ही एक इंसान के इस तरीके से सजा दी गई थी। कहीं ना कहीं ये पूरी वारदात होने के बाद अब वो यहाँ से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। साइबर के थ्रू ये देखा गया कि आखिर में वो व्यक्ति गया तो गया कहाँ। ढूंढते ढूंढते ऐसा टाइम आया जब नरसिंहपुर के करेली गांव में जो है ये व्यक्ति जो है तो पकड़ा गया, जहाँ पर ये यहाँ से गायब होकर फरार हुआ था, जहाँ पुलिस को उसने पूरी चीज़ें बताई कि मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि मुझे वो धोखा दे रही थी। सच में धोखा दे रही थी या नहीं ये तो बात की बात है, इस बात पर मैं कुछ कह नहीं सकता, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसके पति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, जो पुलिस के द्वारा मुझे पता जो चल रहा है वो आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए ये शहडोल एसपी का बयान। पति और पत्नी दोनों को साथ में लकड़ी कटाई के लिए जंगल जाते हुए देखा था और उसके बाद पति लगातार फरार था, तभी पुलिस को संदेह हुआ कि ये पति द्वारा कारित की गई हत्या है और लगातार पति को ढूंढने के लिए पूरी साइबर की टीम लगी हुई थी और पूरे जमीनी स्तर पर पुलिस लगी थी। इसको पुलिस ने आरोपी को करेली नरसिंहपुर से गिरफ्तार करने की सूचना बताई। इसमें सर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी? पति
पति के बताए अनुसार पति पत्नी का जो चरित्र था वो संदेहास्पद था, उसके दूसरे जगह अवैध संबंध थे, ऐसा पति का कहना, आरोपी का कहना। इतना ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले, उसके जो उसका जो बेटा है उसके द्वारा भी ये कहा गया कि मुझे खून के बदले खून चाहिए, उसने अगर मेरे माँ को मारा है तो मुझे भी अपने पिता की जान चाहिए कि वो भी मर जाए क्योंकि उसने मेरी माँ को मार डाला। एक छोटा सा लड़का जो लगभग 10 साल का रहा होगा, एक बेटा जो है 10 से 12 साल का, वो अपनी माँ को आग देगा ऐसा उसने कभी सोचा नहीं होगा, उसने ही बल्कि कोई भी नहीं सोचता कि मुझे 12 साल की उम्र में अपनी माँ को ही अग्नि देनी होगी। ये वारदात सिर्फ एक धोखे की रही और धोखा इंसान कभी भी किसी को भी दे देता है। आज के परिवेश में एक से तो कोई संतुष्ट ही नहीं है, हर एक रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घुसता है और दरार पैदा करता है। आने वाले जीवन में जो है तो लगातार इस तरीके के शर्मसार होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो लगातार लोग हैं देख रहे हैं, कहीं दिल्ली कहीं मुंबई, तो अब तो हमारे सीधी शहडोल में भी देखने को मिलने लगा है इस तरीके का कृत्य कि अपनी ही पत्नी या अपनी प्रेमिका को इंसान काट कर सीधे जमीन के अंदर दफन कर रहा है, तो कहीं एसी और पंखा में, कूलर में रख रहा है, तो कहीं फ्रिज में रख रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि तेल पेट्रोल डालकर सीधे आग लगा रहा है। ऐसी दर्दनाक घटनाओं के बावजूद भी इंसानों के अंदर किसी भी तरीके का सुधार नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक लड़की कई और लड़कों के साथ अफेयर में देखी जा रही, और कई लड़के ऐसे हैं जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं और भी अफेयर में जा रहे हैं। अफेयर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं समाज में, ये जिस तरीके का आज नंगा नाच देखने को मिल पा रहा है वो शायद समाज में कभी और देखने को नहीं मिल रहा था। आज अश्लीलता सीसीटीवी फुटेज जब इंसान देखता है तब पता चलता है कि मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड जो है कहाँ थी अभी तक, मेरी बहन कहाँ थी अभी तक, कॉलेज बता के गायब, तो कभी स्कूल बता के गायब, तो कभी और बता के कुछ गायब, तो कभी ऐसा होता है कि अगर पति घर में ना हो तो पत्नी मौज में हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं आज के धोखाधड़ी की वजह से, जो है इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, जितना ही जिसको जो चाहता है उसे कहीं ज़्यादा ये देखा जाता है कि वो उसे काट पीट डालता है, यानी कि एक मरते हुई मतलब व्यक्ति को जैसे ही वो सामने वाला ये घटना बर्दाश्त नहीं कर पाता तो डॉक्टर बन जाता है, एक औरत का कई टुकड़ों में करके ऑपरेशन करने लगता है, काट पीट कर और उसे जला देता है या फिर उसे कहीं ना कहीं फ्रिज में रख देता है या जमीन के अंदर दफन कर देता है। ये मामला आप लोगों को लगातार मैंने बताया था कि इसकी अपडेट जरूर दूंगा, और ये मामला जो है ये छोटा सा मामला नहीं था क्योंकि ये सीधी शहडोल का मामला था। लगातार तरंग न्यूज इस पर कवरेज किया, ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट मैंने दिखाई, उनके परिवार से भी मैंने मिलवाया, सारी चीजें देखने को मिली आपको तरंग 24 न्यूज पर, और अब पूरी अपडेट कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर कुछ बचा नहीं, बल्कि अब तक जो इस पर जो है अपराधी है वो जेल पहुंच चुका है और शहडोल की जेल में इस टाइम पर वो वक्त गुजार रहा है, और वो सामने वाला जो अपराधी है वो भले ही आज जेल में है लेकिन उसे अफसोस नहीं है क्योंकि वो अभी भी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी पत्नी थी, मुझे धोखा दे रही थी तो मैंने उसे काट डाला। पर ये गुस्सा कहां तक जायज था, अगर पत्नी अगर ऐसा कर रही थी तो वो डिवोर्स भी दे सकता था, तलाक दे सकता था या छोड़ सकता था या किसी और के साथ उसे शादी करनी थी वो भी कर सकता था, लेकिन किसी की जिंदगी लेना कितना आसान हो चुका है कि कोई कभी भी किसी को काट डालता है या किसी को रस्सियों में मारकर लटका देता है, और इस तरीके का क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। तो सतर्क रहिएगा आप भी, और आप भी अगर किसी ऐसे रिलेटिव में फंसे होंगे तो आप धोखा देने का ना सोचे, नहीं तो कुछ भी आपके साथ भी हो सकता है। ये मैं आगाह नहीं कर रहा बल्कि इस पूरी स्टोरी से जो मैंने सीखा वो आपको भी बता रहा हूं कि कभी प्रेमी प्रेमिका के बीच हो या पति पत्नी के बीच हो या कोई भी रिश्ता हो, धोखा नहीं दीजिए, क्योंकि आज जितना इंसान चाहता है उससे कहीं ज्यादा धोखा जब खाता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और इस तरीके का कृत्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज़ से, फिर मिलता है एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।